lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. तो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक. आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में. तो पिछले के कुछ एपिसोड्स में मैंने काफ़ी ब्लॉग्स रिक प्लेटफॉर्म के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है. तो अभी फिलहाल वही सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और आगे जा रहा हूँ. जितना भी वीडियोस में बना रहा था 2012, 2013 और 2014 के ऑलमोस्ट एंड तक था, लेकिन अब ये जो वीडियो है वो रिक प्लेटफॉर्म का एंड 2014 का है. फाइनली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो भी शिपिंग का था, रिग का था, प्लेटफॉर्म का था, वो कंप्लीट करके फाइनली वंस अगेन बैक टू मुंबई, बैक टू होम. अब फ्लाइट मुंबई में आ गया और वहाँ से निकल कर मुझे जाना था रूम पर. लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी होता है ये कि जब मैं गया था सो 2 या 3 महीने के लिए गया था, तो वहाँ पर एक गैप हो गया. कोई कॉन्टैक्ट वगैरह था नहीं जो मेरे रूम मेंबर थे मुंबई में. अब वहाँ पर एयरपोर्ट उतरने के बाद मैंने कॉल किया तो कॉल लग नहीं रहा था. तो होता यह है कि जब भी हम लोग एयरपोर्ट से आते हैं ना, तो नॉर्मल कंपनी क्या कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ मतलब कुछ अरेंज नहीं करता. आपको एयरपोर्ट से खुद निकल के जाना है रूम के लिए. तो मेरे पास एक हैंडबैग था, क्योंकि मैंने पहली बार जब मैं गया था मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया कि भाई लगेज वगैरह लेके जाने का ज़रूरत नहीं. एक छोटा सा हैंडबैग काफ़ी है जिसके अंदर आपके 4 जोड़े कपड़े आ जाए, तो उतना काफ़ी है. और आप एक लैपटॉप का कैरी बैग कर लो अगर आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, तो आप एक छोटा सा बैग कैरी कर सकते हो. क्योंकि इस फील्ड के अंदर ट्रैवलिंग बहुत है, हर एयरपोर्ट में, हर पोर्ट में, वहाँ से वहाँ, बोट टू बोट, छोटे छोटे शिप्स के अंदर काफ़ी जगह ट्रैवलिंग करना पड़ता है. तो जितना हो सके उतना कम लगेज कैरी करो, ये मुझे पहले ही मिल चुका है एक्सपीरियंस में. तो अब मुंबई में उतरने के बाद मैंने अपने जो फ्रेंड है रूममेट से उनसे ट्राई किया कांटेक्ट करने के लिए. काफ़ी देर के बाद फाइनली 3-4 घंटे हो गए, मैं एयरपोर्ट से निकल गया. क्योंकि मुझे पता था कि मॉर्निंग का जो ट्रेन है मेरे रूम तक पहुंचने के लिए वो 4-5 बजे ही निकलेगा, और उसके पहले आप वहां पर पहुंच के भी ऐसे भी 2-3 बजे रात को पहुंच के किसी को क्यों डिस्टर्ब करना. तो फाइनली कॉल लगता है, और कॉल लगने के बाद जो मेरा रूममेट है वो मुझे एक अच्छा सा सरप्राइज देता है मॉर्निंग में कि भाई हमने रूम जो है वो वैकेट कर लिया. तो मैंने बोला यार तुमने क्यों किया, मेरे पुराने जो कुछ ड्रेसेस थे, कुछ सामान थे पर्सनल, वो भी मैंने वहीं छोड़ के आ गया था क्योंकि मैं उसके बीच में घर पे गया नहीं था. तो उसने कहा कि भाई जितना हो सके उतना सामान तो मैंने रख लिया है, ले लिया है, बाकी सामान को मैंने फेंक दिया. मैंने कहा ठीक है यार, अब बताओ रीज़न क्या है कि भाई आपने रूम क्यों खाली किया. कहा कि यार इसका जो रेंट है वो बहुत महंगा है, 6 to 8, 6 से 8 हज़ार रुपये रेंट है पर मंथ का, और हम लोग कम से कम 10 से 12 सीमेंट लोग उस रूम के अंदर रहते थे. तो हमारा डिवाइड ये था कि हम 12 लोग हैं, पर आदमी हर महीने 500 से 8 हज़ार रुपये तो दे ही सकता है. ठीक है, तो प्लानिंग यही था कि हम ऐसे कवर कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके. तो ये 2-3 महीने के गैप में हुआ कि जितने भी सीमेंट थे सब लोग चले गए, कोई भी नहीं वापस आया. अब 3 महीने का जो रेंट था वो 24,000 रुपीज़ पेंडिंग हो गया, और उसके पास जो डिपॉजिट था वो 20,000 से 30,000 रुपये था. तो अब जो बंदा अकेला रह गया वो शिफ्ट में काम करने के बाद उसी टाइम पर आया जब 3 महीने का पेंडिंग हो गया रेंट. उसने कहा कि भाई मैं तो 24,000 नहीं भरूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं 2 से 3 महीने के लिए गया था, मुझे घर पर भी बेचना है. तो अब ये लोग जबरदस्त, मतलब जो रूम ओनर है वो तो ऑब्वियसली मांगेगा पैसा. तो अब उसने कहा भाई तूने क्या किया. मैंने कहा भाई मैं वहाँ से निकल गया, 8,000 हम लोग मतलब नहीं पे कर सकते, इसीलिए 3,000 के जो रेंट है उसमें हम लोग शिफ्ट हो गए. फिलहाल तो मैं अभी अकेला हूँ, तो तुमको मैं एड्रेस भेजता हूँ, तुम वापस आ जाओ, मतलब उस लोकेशन पे चले जाओ जहाँ पर नया रूम है. अब ये बात मेरे साथ में कुछ स्टाफ थे जो एम्प्लॉयज़ थे जो मेरे साथ शिफ्ट में काम करके उतरे थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी मैं बेघर हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहने के लिए, तो क्या कुछ 1-2 दिन के लिए मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. तो फिर जो मेरा नया जो रूममेट है जिसने रूम अरेंज किया, वहाँ जाके मैं चेक करता हूँ कि भाई वो कंफर्टेबल है कि नहीं, कि वहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं, कैसा फैसिलिटी है. क्योंकि मुझे पहली बार जब मैं मुंबई आया था तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ था यार
कि भी अगर हाइजीन प्लेस नहीं रहेगा तो फिर आपको फिर बीमारियां हो जाएगा, जो भी आप कमाते हो सारा पैसा आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। तो फिर ये सब सुन के फाइनली उन्होंने एग्री किया कि भाई तुम कुछ दिनों के लिए वहाँ हमारे साथ रह सकते हो, उसके बाद शिफ्ट हो जाना, चेंज हो जाना। तो वैसे मैं 2-3 दिन वहाँ रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से अपने जो रूममेट ने रूम अरेंज किया वहाँ गया। वहाँ एक छोटा सा रूम था, 1 BHK भी नहीं, 1 RK अटैच बाथरूम, छोटा सा हॉल में किचन, तो उसके अंदर 6-7 लोग तो नहीं रह सकते, वो सिर्फ 2 या 3 लोगों के लिए था। लेकिन हम लोग 6-7 लोग ऐसे भी एडजस्ट करते थे, क्योंकि नो अलमारी, नो क्या बोलते, नो बेड, कुछ नहीं, टेबल नहीं, ऐसे नीचे ही चादर पाई पे सोना है, और वैसे भी कुछ ही दिन की बात है, फिर वापस शिप पे फिर जाना है, 6-7 महीने के बाद फिर आएंगे। तो ये ऐसे ही चलता रहा। तो ये सब मुंबई का एक हाल, जो मतलब जो भी मुंबई का जो सिचुएशन है वैसा ही होता है, जो भी स्ट्रगल करता है सबके लिए वैसा ही है। अब बारी ये है कि घर जाने के लिए। तो फाइनली पूरे 2 साल के बाद मैं 2 दिन के लिए घर जाता हूँ। घर जाने का मेरा 2 रीज़न था, एक तो अपने जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनसे काफ़ी टाइम से मिला नहीं, क्योंकि मैं जब से निकला फिर वापस कभी गया नहीं, और मुझे दूसरे शिप में ज्वाइन करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, बिना उस सर्टिफिकेट के मैं नहीं जा सकता। तो फिर मैंने ऑफिस में गया, अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए, वहाँ पर कुछ 15-20 दिन मैं रुका, क्योंकि वहाँ पर कुछ मुझे काफ़ी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, जॉब मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जो नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना है, तो काफ़ी कुछ काम था। तो वो सब कंप्लीट होने के बाद कंपनी ने कहा कि आप जाओ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आओ, वेरिफिकेशन होगा, क्लियर होगा, उसके बाद ही आप अगले नए प्रोजेक्ट शिप प्लेटफॉर्म रिग पे जा सकते हो। तो ये जो डिसीजन मेरा कंपनी ने दिया, ये मेरे लिए सही था। एक तो मुझे फैमिली फ्रेंड्स से मिलना था, और पुलिस क्लियर, मेन तो मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही था। अगर ये चीज़ के लिए मुझे नहीं जाना पड़ता तो मैं नहीं जाता, फिर से वो डायरेक्ट शिप पे चला जाता। लेकिन ठीक है, 2-3 दिन की बात है, और जहाँ पर मैं रहता हूँ, मुंबई से गुजरात के लिए 4 से 6 घंटे का ट्रेन है, 200-300 रुपये की टिकट में बैठ जाओ, स्लीपर का उतना ही है, लोकल 40 से 70 रुपये, 50-60 रुपये कुछ लोकल का टिकट होता है। तो वहाँ से सीधा कैरी करने के बाद मैं रूम पर गया, और रूम का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अलग था। रेलवे स्टेशन में नॉर्मली क्या होता है कि रेलवे स्टेशन के अंदर लोकल ट्रेन्स होते हैं, नहीं तो फिर एक्सप्रेस वगैरह ट्रेन्स होते हैं, और वो ट्रेन से आपको गांव तक जाना है, और मेरा जो स्टॉप था वो गांव तक स्टॉप था। तो फिर लोकल ट्रेन गांव तक होता है, और जो एक्सप्रेस जो होता है वो सिटी में रुकता है। तो मैंने उस टाइम पे एक्सप्रेस ट्रेन लिया था, क्योंकि मुझे 2 से 3 के अंदर अपना काम खत्म करके वापस जाना है। तो सुबह का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, मैं मोस्टली अवध एक्सप्रेस या फिर जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस वगैरह पकड़ता हूँ, जो 10-11 बजे के आसपास ट्रेन निकलता है बांद्रा से, और वो पहुंचता है गोधरा सिटी में, जो गुजरात का सिटी है। तो वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ से मुझे बाय बस से जाऊँगा, तो उस टाइम 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि 1-way road है, ट्रैफिक रहता है, रेलवे गेट्स रहते हैं, अभी काफ़ी चेंज हो गया, अभी सिर्फ 30-35 आधा घंटा लगता है, लेकिन एक टाइम में 1 से 1.5 घंटा लगता था, 1-way single road होता था, तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन में पहुँचने के बाद मुझे लगा कि भाई थोड़ा रहता है ना कि भाई अब 2 साल के बाद आए तो कोई लेने के लिए आएगा वगैरह, सुबह के 4-5 बजे से मैं समझ गया कोई आने वाला है नहीं। तो फिर मैं वहाँ स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड रहता है, उनसे बात किया, उन लोगों ने अच्छा चूना लगाने के लिए ट्राई किया, लेकिन मैं फंसा नहीं, कहा कि भाई 40 रुपये लेंगे हम आपको, जो आपका बस स्टॉप है वहाँ छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई तो किसी और को ही समझाना, मैं यहाँ कम से कम 15-20 साल से हूँ, कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं बाहर काम करता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा लगेज भी नहीं, सिर्फ एक हैंडबैग ही है। तो मैंने कहा भाई 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये लेना है तो ले, नहीं तो फिर मैं चल के चले जाऊंगा। बोला कि भाई 10 रुपये में लेंगे नहीं, लास्ट 30 रुपीज़। मैंने कहा 30 रुपीज़, ये 2014 की बात है, मतलब 30 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है यार, 30 रुपीज़ में तो मैं 3 टाइम का खाना खा लूँगा, उस टाइम पे कुछ ऐसा ही हिसाब होता था। तो फिर मैं वहाँ से एक रेलवे स्टेशन से बस स्टॉप, ज़्यादा दूर नहीं मेरे लिए, 15-20 मिनट, 1 से 2 किलोमीटर, और मुझे काफ़ी शॉर्टकट्स पता थे, तो मैं अंधेरे में 5 बजे वैसे ही बैग लेके चला गया, और जहाँ पहुँचते ही मुझे बस मिल गया। फिर वहाँ से धीरे धीरे घर पे तक पहुँच गया, करीब 6:30 बजे तक मैं फाइनली अपने जो घर का जो मेरा बस स्टॉप है वहाँ पहुँच गया। और गांव का तो आपको नेचर ही मालूम है, ऊपर से दिसंबर का महीना, एकदम ठंडा मौसम, टेम्परेचर, हवा, एकदम एक अपनापन फीलिंग होता है, अगर आप गाँव में बाहर से काम करके पहुँचो ना काफ़ी सालों के बाद, अजीब सा फीलिंग होता है। तो फिर वहाँ पहुँचा, फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि फिर कोई लेने के लिए आएगा, लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी घर पे सब सो रहे होंगे तो फिर क्यों डिस्टर्ब करना फ़ोन करके। तो फिर मैं बस स्टॉप से चलते चलते, 5-10 मिनट का दूरी था और हैंडबैग ही था मेरे पास, चलते चलते चला गया घर पे।
तो एग्जैक्ट मुझे अभी भी याद है 6:45, साथ में कुछ 10-15 मिनट कम था, तो पहली बार घर पे पहुंचा हाफ फीट टाइम के बाद। तो मैं अपने पेरेंट्स से मिला, फादर सोए हुए थे और मदर ने बोला कि तू इतना जल्दी आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो आया था सुबह 5 बजे आ गया था, लेकिन फिर बस, फिर वहाँ से बस रेलवे स्टेशन से चल के गया, फिर बस स्टॉप से गया, फिर यहाँ से चल के आया। ओके ओके ठीक है, तो अब यहाँ तक मैं स्टोरी कंटिन्यू, मैंने जो किया, जो मेरा जर्नी था, फाइनली 2 साल के बाद आप वापस घर पे आते हो, आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है? तो मेरा यही था, नॉर्मल था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होते फ्यूचर के लिए, हम लोग अभी से सेविंग करना स्टार्ट करते हैं, वही मिडिल क्लास का होता है, तो यही लाइफ स्टाइल है, सभी घरों में ऐसे ही कहानी है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो मैं यहाँ से सेकेंड पार्ट बनाऊँगा अगले वीडियो में, जो मैं कंटिन्यू करूँगा कि मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में पहली बार कितनी दिक्कत, कितनी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतने सारे टेंशन वगैरह, फालतू का टाइम वेस्ट झेला मैंने, रियली पूछो तो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालने के लिए। मेरा मेन मकसद तो वही था कि वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मुझे सिस्टम पता था कि भाई गुजरात गवर्नमेंट जो प्रोसीजर जो होता है वो कैसा है, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था पहले, मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ों के लिए बहुत कुछ भाग दौड़ किया है। तो लेकिन मेरा वरिष्ठ पहला एक्सपीरियंस था, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको मर्चेंट नेवी में हो, नेवी में हो, रिक में हो, प्लेटफॉर्म में हो, एब्रॉड में हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मस्ट कंपलसरी है, बिना इस सर्टिफिकेट के लिए आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पुलिस क्लियरिफिकेशन अगर आपका फेल हो जाएगा तो फिर आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें दिक्कत होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन मैं फिर से आऊँगा एक और स्टोरी के साथ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो मेरा ब्लॉग है, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस, उसका वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।